गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपको एक नया इंटरेस्टिंग व्लॉग में। चलिए शुरुआत करते हैं खूबसूरत दिन की। तो भैया एक्सरसाइज हो चुकी है, अभी नहा लेते हैं, प्रोटीन पीते हैं, ऊपर चलते हैं। तो प्लान के अंदर थोड़ा सा तब्दीली या फिर परिवर्तन किया गया। अरे कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहते हैं कि भैया चेंज किया गया। पहले हम जाने वाले थे नहाने के लिए, पर अभी हम नहाने नहीं जा रहे हैं। अभी भैया करेंगे अपनी बाइक साफ, क्योंकि बाइक बहुत दिन से साफ नहीं हुई है और स्टार्ट भी नहीं हुई है। और सबसे मेन बात यह है साफ करने की, आज वजह यह है कि भैया हमने अपने इस पर कैमरा लगा लिया। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि भैया गाड़ी को साफ कर ले, मतलब बाइक को साफ कर ले, उसके बाद एक छोटी सी राइड तो बनती है कि नहीं, तभी तो टेस्ट होगा ना सही से। तो चलो बाइक साफ करते हैं। तुम्हारी बेटी ने मेरी आईब्रो कटवा दी यार। क्या हो गया? आईब्रो एक छोटी एक बड़ी हो गई। कैसे? ये तो मेरे से पतली हो गई थी पहले और मैं इसे काट रही थी, इतने में वो सोती सोती उसने ऐ कर दिया, तो ऐसे ही हो गया। ओ भाई, छोटा हो गया। तो ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं है, ठीक है। वो तो मैं मेकअप से ठीक कर लूंगी। इस चीज के लिए मैं रूरू को शाबाशी दूंगा, कुछ तो अच्छा किया उसने। तो ये बाइक यहाँ छाव में खड़ी कर दी मैंने, इस पेड़ के नीचे। अभी यहाँ से पानी चलाते हैं और पहले पानी मारते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा साबुन वाबुन से करेंगे, शैम्पू साबुन कुछ तो लगाएंगे। तो ये बाइक नहा धो के आ चुकी है अंदर, अभी बस थोड़ा सा इस पर कपड़ा मारते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे एक छोटी सी राइड पे यहीं आसपास टेस्ट करके आएंगे। और बहुत लोग पूछते हैं कि भैया जो शादी में आपने वेस्पा दिया था वो कहाँ है, तो वो ये रहा, कहीं जाएगा कहाँ, यही है। मस्त लग रही है वैसे, कभी कभी देखता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है इसे देख के। चलो भाई बाइक धुल गई है, जरा एक राइड तो बनती है अब जरा। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये कि GoPro को साउंड चेक करना, तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करके देख लेते हैं। स्टार्ट तो वैसे हो जाएगी, मैंने स्टार्ट करके देख ली थी पहले। चलो स्टार्ट हो गई, चलो एक छोटी सी राइड करके आते हैं। और आप बताओ कि ऑडियो क्वालिटी कैसी आ रही है GoPro की यार, क्योंकि मैंने जो मोटो व्लॉग मैं लगभग कर रहा हूँ एक साल बाद, और ये कैमरा एंगल अभी लगाया है, तो देखना पड़ेगा कि कैसा आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या चेंजेस इसमें करने। सो कितना व्यू आ रहा है आपको, बाइक कितनी दिखाई दे रही है, सामने कितना दिखाई दे रहा है, और मेन चीज़ ऑडियो है। मेरे हिसाब से ऑडियो का थोड़ा दिक्कत रहता है, क्योंकि ये जो हेलमेट है ना, ये इसमें अच्छी खासी एयर जाती है नीचे से। और जैसे कि आपको पता है कि मैंने इस वाले हेलमेट में लगाया जो शहर के लिए मैंने लिया था 2,500 रुपये का। वैसे 2,500 रुपये कोई कम नहीं होता, बहुत काफ़ी अच्छा हेलमेट आता है, सर्टिफाइड हेलमेट है, पर फिर भी एक वो होता है ना कि उसमें बिल्कुल एयर नहीं जाती, वो 6-7 हज़ार का हेलमेट है, उसमें बिल्कुल सील पैक हो जाता है सोचो एक तरीके से। तो वहाँ उसमें एक अच्छी आपको वॉइस क्वालिटी मिलेगी, पर फिर भी ये हम काम चला सकते हैं कैसे, ये आप मुझे बताना कि हाँ ठीक है क्या कभी कभी के लिए, क्योंकि कभी कभी हम जैसे हम बाइक से आते हैं तो ये छोटे मोटे ऐसे शॉट डाले जा सकते हैं। बीच में थोड़ा सा वैरायटी होना व्लॉग में जरूरी है यार, क्योंकि ऐसी चीजें आनी चाहिए। और ये हमारा साइड में आ चुका है हमारा स्कूल, गॉडविन पब्लिक स्कूल, और यहीं से हम पढ़े हैं। हमने 8th क्लास से लेके 12th क्लास तक मैंने और सिमरन ने यहीं से की है। बाइक की सर्विस करवानी भी पड़ेगी, क्योंकि यार इसकी जो चैन है वो बहुत ज्यादा आवाज कर रही है। इसकी चैन जो है ना वो आवाज के साथ साथ मतलब एक अजीब सी उसमें जंग सी लग गई है, क्योंकि बहुत दिनों से खड़ी हुई है यार, ये सब नॉर्मल सी बात है। और कहीं ना कहीं बाइक में कार्बन वगैरह भी यार जमी जाता है जब बाइक बहुत दिन से खड़ी रहती है, वो सब चीज प्रॉब्लम रहती है। तो इसकी सर्विस करवाएंगे, यहाँ लिखा हुआ भी आ रहा है सर्विस करवा दो भैया, बाइक कह रही है खुद ही, तो सर्विस करवाएंगे। और वैसे मेरी जो बाइक है वो ज़्यादा कुछ खास चली नहीं है, सिर्फ 5,279 किलोमीटर अभी तक चली हुई है, और आई थिंक 3 ईयर्स इसको कंप्लीट हो चुके हैं। हाँ ठीक है, 3 साल हो गए आई थिंक, 2017 में ली थी मैंने, तो 3 साल हो चुके हैं इसको, अभी बस 4 साल हो जाएंगे। मतलब 4 साल सितंबर में हो जाएंगे, और 4 साल में सिर्फ 5,000 किलोमीटर गाड़ी चली है, मतलब सीरियसली यार ये तो मतलब कुछ वही हो रहा है। और कार की बात करो, कार अभी बस सिर्फ 2 साल हुई है, 2 साल के अंदर ही हमने लगभग 45,000 किलोमीटर चला दी है, और वो तो लॉकडाउन है, पिछले साल भी लॉकडाउन था, इस साल भी लॉकडाउन है, तो इतनी रुकी हुई है, नहीं तब तक मुझे पूरी उम्मीद थी कि मैं 80-90 के करीब उस कार को जो है चला देता बड़े आराम से, क्योंकि बहुत सारे ट्रिप्स करने वाले थे आराम पर, अभी सब कुछ चौपट हो चुका है। सो अभी एक छोटी सी राइड लेके आते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जा रहा हूँ, रोड पर जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने चप्पल पहन रखी है और मैं नहीं चाहता यार कहीं ज़्यादा दूर जाऊँ चप्पल में, वैसे भी बाइक चलाना सेफ नहीं होता यार। सो और ये बताओ कि कैसा लग रहा है, क्योंकि मैं मोटो व्लॉग यार मुझे बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है, मैं बात कर रहा हूँ ना जल्दी, मतलब मुझे एक्साइटमेंट हो रही है, क्योंकि मैं 1 साल बाद मोटो व्लॉग कर रहा हूँ, 1 साल पहले मैंने मोटो व्लॉग किया था, और अभी मतलब बड़ा अच्छा सा लग रहा है अंदर से कि यार कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ अलग एंगल है, अलग बाइक मैंने बहुत दिनों बाद चलाई है, बाइक चलाने को मिलती है, कैमरा लगा हुआ है, बातें कर पा रहा हूँ आप लोगों से, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है एकदम से। चलो एक छोटी सी राइड लेके आते हैं और उसका चलते हैं घर। ज़्यादा नहीं भगाएंगे, क्योंकि भैया जैसे मैं बता चुका हूँ चप्पल पहन रखी है, और ऐसे भी ग्लव्स वगैरह कुछ है नहीं हाथ में, सो मैं बिल्कुल सेफ्टी के साथ ही चीज़ें रखता हूँ यार,
पहले एक टाइम था यार जब बचपना था स्कूल टाइम पे जब हमें बाइक मिल जाती थी ना, मुझे अभी तक याद है 12th क्लास के जो बच्चे जब होते हैं, जब हम 12th क्लास में थे तो उस टाइम पे बाइक मिलना बहुत बड़ी बात थी। आजकल तो स्कूटी वगैरह नॉर्मली सबको मिल जाती है, तो उस टाइम पे स्कूटी बाइक मिलना 11th 12th पे बहुत ही ज्यादा बड़ी बात हुआ करती थी। मतलब माँ बाप को कम से कम 2-3 साल तक तुम बोलते रहोगे जब जाके वो कहीं आती थी, वो भी किसी किसी के पास हुआ करती थी। तो मेरे पास एक छोटी सी एक ऐसी बाइक थी फ्रीडम, पुरानी सी थी जो कि पापा की थी, तो मैं उसको कभी कभी चला लेता था। दैन उसके बाद फिर मुझे जो है बड़ी मिन्नतें करने के बाद मुझे एक ड्यूक मिली थी, उस टाइम पर ड्यूक लॉन्च हुई थी, सो वो मिली थी। और वो पूरे रोड पर पहली बाइक थी जो मैंने ली थी, क्योंकि उस टाइम पे KTM लॉन्च ही हुआ था जब इंडिया में आया था, उसको लगभग शायद 6 महीने या 1 साल हुआ था बस लॉन्च हुए इंडिया में, तो ज़्यादा कोई लोग जानते नहीं, तो लोग पूछते थे ये कौन सी बाइक है। तो उस टाइम पे KTM 200 ली थी मैंने उस टाइम पे, फिर मैंने वो बेच दी। उसके बाद R15 ली, R15 के बाद पल्सर ली, पल्सर के बाद अब ये वाली बाइक नहीं, मैंने बीच में एक R15 और ली, फिर उसके बाद मैंने ये ली। चलो अभी यहीं से मैं यू टर्न ले लेता हूँ क्योंकि ज़्यादा आगे जाना सही नहीं है, रोड यहाँ पर लगभग खत्म हो जाता है। इसी पुल के नीचे सिटी स्टेशन पड़ता है हमारे मेरठ का, मेरठ सिटी का। घर की तरफ रुख कर लेते हैं अब। जस्ट बाइक को रैप करते हैं ना, आई लाइक दैट साउंड, बाइक साहब इतनी मस्त साउंड आती है ना, मतलब मजा ऐसे सेटिस्फेक्शन सा मिलता है। और जबकि तो कोई खास ऐसी नहीं है, सिर्फ 400 cc की बाइक है, 400 भी पूरी नहीं है, 377 cc की बाइक है। पर यार जब एक सुपर बाइक लेंगे, एक कहीं ना कहीं मेरा मन है कि मैं एक सुपर बाइक लूंगा, सो जब मजा आएगा। मैं मतलब देखो बाइक वाइक चलाना अभी मेरा बहुत कम हो गया है, मैं बहुत ही कम बाइक वगैरह चलाता हूँ, पर यार एक अंदर से होता है ना कि यार एक सपना होता है जो कि तूने बचपन से देखा होता है कि यार एक सुपर बाइक तुम्हारे पास होनी चाहिए, तो बस वही है यार, एक सुपर बाइक तो लेंगे हम कहीं ना कहीं। ठीक है, पहले एक कार लेंगे, प्रिया की शादी करेंगे उसके बाद कार लेंगे, कार के बाद एक दो चीज़ें हैं जो मैंने सोची हुई है। तो ड्रीम्स बहुत सारे हैं यार, सारे पूरे करने हैं। ठीक है, मम्मी को भी एक हमें एक लग्जरी गिफ्ट करनी है एक दिन, है कि नहीं, और फिर एक सुपर बाइक भी लेंगे यार, कहीं ना कहीं सब करना है, सारी चीज़ें करेंगे। एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, जैसे मैं अपनी फैमिली को बिल्कुल एक अच्छा लाइफस्टाइल दे सकूं, जो लोग मतलब चाहते हैं, अब हर कोई चाहता है यार अपनी फैमिली के लिए अच्छे से अच्छा करना, मैं भी वही चाहता हूं बस। अबे मेरे हेलमेट के अंदर मक्खी कहां से घुस गई, निकल निकल भाई, यार बड़ी इरिटेटिंग है, निकल। चलो निकल गई। चलो मजे ही आ गया भाई साहब, जल्दी कोई ऐसी राइड प्लान करेंगे आसपास की, मेरठ के आसपास की, क्योंकि ज़्यादा दूर तो यार इसकी सीट जो ना बहुत टाइट है, पिछवाड़ा दुख जाता है इसमें। इस लड़की को मैं कम से कम आधे घंटे से बोल रहा हूँ खाना खा ले, खाना खा ले, खाना ठंडा हो जाएगा, वीडियो बाद में बना लियो। नहीं, खाना ठंडा हो गया, अब मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है ठंडा खाना, खाओ तो फिर लो मजे। अभी से प्रैक्टिस कर रही है ब्रश करने की, है जो ब्रश करा करूंगी मैं, जो अभी से नहीं नहीं कर ले बेटा, कर ले, हम ना नहीं कर रही, ले 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 बिट्टू ले ले, चलो ब्रश करो, करो ब्रश, कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो ब्रश कर लो भाई, दांत तो है नहीं, ब्रश कहां से करवा दो, बड़ा ब्रश है भाई, छोटा सा ब्रश लाऊंगी मैं तो, ऐसा लग रहा है इससे बड़ा तो ब्रश ही है, बाइक करिए बाइक चलानी है, बढ़िया चलाया, धूप लग रही है आंखों में। ये देखो ऐसे रेस, जब हम छोटे थे तो पापा हमको ऐसे टंकी पे बिठा के लाते थे, पर उसकी जो बाइक की जो टंकी थी वो थोड़ी बैठने लायक होती थी, मैं उस पर टंकी पे बैठ के, इस पे कौन कैसे बैठ सकता है, इस पे थोड़ा सा बैठ नहीं सकते। अच्छा फ्रीडम पे 5-5 लोग बैठ के पिक्चर देखने आते थे, हम 5 लोग फ्रीडम पे चलान नहीं कटा तुम्हारा, कहीं ना हो तो उस पर बैठ गए आगे। लेडीज आपकी ग्रीन टी तैयार है, महाराज मजा आ रहा है आपको, ये दासी आपको जुला रही है, है महाराज मजा आ रहा है, आपकी फीफी इधर है, इसे यहाँ रख लो, अपने पास रख लो, ए ए दासियो महाराज के लिए पंखा लाओ।
ऐसे लेटी हुई ऊपर से कोई अंगूर खिलाता रहे। कल मजा आया था घूमने में? मजा आया था। मजा आया था कितना? खूब खूब मजा आया था। ठीक है, अगले हफ्ते फिर चलोगे? फिर चलेंगे। बाबा यूँ कह रहे हैं अगली बार नहा के आएंगे वहाँ पे। ये करते मैंने तो डुबकी भी नहीं लगाई, इस बार डुबकी लगा के आऊँगा अगली बार। मैंने कहा पानी थोड़ा सा मिट्टी वाला था इस बार। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको कुछ भी इसमें अच्छा लगा तो नीचे कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। सो जैसे हम खत्म करते हैं, सो इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट। अभी के लिए नमस्ते, अलविदा, टाटा, और हाँ बाय बाय। और सब्सक्राइब करके जाना, करके जाना, सही बात है। इंस्टाग्राम यहाँ आ रहा है, जाके फॉलो कर लो। अच्छा यार, पता नहीं हर वीडियो में इंस्टाग्राम कैसे यहाँ आ रहा है। इंस्टाग्राम नहीं है, इंस्टाग्राम की आईडी आ रही है, आईडी। ठीक है, चलो मिलते हैं कल। अभी के लिए, और आज कुछ नया ट्राई किया तो नीचे बताना कैसा लगा। कभी कभी कुछ नया होना चाहिए। बाय।